सारे दर्शकों का शिफालय कलीसिया द्वारा प्रस्तुत रेज ऑफ होप कार्यक्रम में मैं परमेश्वर का दास पास्टर शिबू के मथाई दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपका यही प्यार है जो हमें अब तक लेकर आगे बढ़ाता रहा है, और इसी प्यार की आगे भी आपसे आशा करता हूं। प्रिय अजीजों, आप बड़े चाव से रेज ऑफ होप कार्यक्रम को देखते हैं और अपने मित्रों को भी बताते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। अब तो सोशल मीडिया के कारण दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके कोई भी रेज ऑफ होप कार्यक्रम को देख सकता है। YouTube पे जाएं, या तो आप मुजदास का नाम शिबू के मथाई टाइप करके आप सर्च करें, आपको हमारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अन्यथा आप शिफाले के नाम से SHIFALAYA शिफाले के नाम से आप सर्च करें, या आप अगर अभी तक आपने शुभ संदेश टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आपके पास सारे एपिसोड्स आते रहेंगे। प्रिय मित्रों, इस प्रोग्राम को देखिए, आत्मिक उन्नति करते रहिए, क्योंकि शिफाले कलीसिया का और मुजदास के दिल की यही चाहत है कि हमारे दर्शक प्रभु यीशु मसीह में मजबूती पाते जाएं, अंतिम दिनों की जागृति के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने पाएं। प्रिय अजीजों, जो वचन इस प्रोग्राम में सुनाया जाता है, जो गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य है, आपकी आत्मिक उन्नति, ताकि भारत की कलीसिया और हिंदी भाषी कलीसियाएं मजबूत होती जाएं। तो आइए आज के इस एपिसोड का आनंद लें। सबको जय मसीह की। हम सब विश्वासी हैं और विश्वास जो है वो हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन का आधार है। पहला कुरंथियों 12 का 9 में इस तरह से हम पाते हैं कि विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। क्यों हम विश्वास करें? ऐसा क्या है कि विश्वास करके क्या हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? आज का हमारा विषय है कि यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करना चाहिए, यानी हमें क्या प्राप्त होता है अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो इसमें आज हम 5 पॉइंट्स को देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट ये है, विश्वास द्वारा हम धर्मी ठहराएंगे, यानी परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती है अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम प्रभु से दूर थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे, हमारे जीवन को कोई भी आशा नहीं थी कि हम परमेश्वर के करीब जा सके, लेकिन मसीह यीशु के उस बलिदान और उस पवित्र लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। रोमियो 3:22 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है। प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे कि हम रोमियो 4:20 में भी देखते हैं कि अब्राहम ने अविश्वासी होकर परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, वरन उसने विश्वास किया और उस प्रतिज्ञा को उसने पाया। वैसे ही हम भी अब्राहम के समान विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, और वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि उसका ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सेम यही बात हमारे लिए भी है, अगर हम विश्वास करते हैं तो ये विश्वास हमारे लिए लाती है परमेश्वर की धार्मिकता, यानी पाप और अधर्म का जीवन छूट गया और एक नया आत्मिक और धार्मिकता का जीवन हमें मिल गया है। हमारा दूसरा पॉइंट है, विश्वास के द्वारा उद्धार। रोमियो 10:9 में ऐसे लिखा हुआ है कि जब तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय ही तो उद्धार पाएगा, यानी हमें मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं मन से तो हम ये भी कहें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन को उद्धार दिला सकता है। हम देखते हैं बाइबल में कहीं ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर लोगों ने मन से यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और मुंह से अंगीकार भी किया। हम देखते हैं यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री ने जब अपने गांव में जाकर जो यीशु से पाया, जो उसके जीवन में घटा, उसने अपने गांव में जाकर बताया। पूरे सामरिया में सामरी लोगों ने उस बात को सुना और यीशु के उस काम के ऊपर विश्वास किया,
सामरी स्त्री की बात पर विश्वास वो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब हम विश्वास करते हैं कि वास्तव में ये जगत का उद्धार करता है। उन्होंने मन से उसको स्वीकारा। इसी तरह से रोमियो 8:26-37 तक भी कई सारी बातें हैं, जहां पर हम देखते हैं कि खोजा ने फिलिपुस के द्वारा वचन को सुना और उस वचन को सुनकर विश्वास किया, उद्धार पाया और उसी समय बपतिस्मा भी ले लिया। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों 16 अध्याय के अंदर, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और दरोगा ने सारी घटनाओं को जब देखा तो उसने ये बोला 30वीं आयत में कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो पौलुस और सिलास ने उन्हें यही बात बताया कि यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे कि यीशु मसीह में हमें विश्वास करने से धार्मिकता मिलती है, और दूसरी बात ये कि विश्वास के द्वारा उद्धार मिलता है। हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे, विश्वास के द्वारा चंगाई। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, लेकिन बाद में उसने ये भी कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम देखते हैं लूका 8:43-48 तक एक ऐसी स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार है, उसे भयंकर बीमारी है और उसकी बीमारी का संसार में कोई इलाज नहीं हुआ। वो परेशान हो गई, तंग आ गई और उसके मन में ये विश्वास आया कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया और प्रभु ने उसको यही कहा, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हुई है। इसी तरह से मत्ती 15 अध्याय में हम देखते हैं 22 आयत से आगे, वह एक कनानी स्त्री है, वो यहूदी नहीं है, वो गैर यहूदी है, चंगाई शायद उसको मिल नहीं सकती थी, उसकी बेटी के लिए वो प्रभु से चंगाई को मांग रही है, वो पीछे पीछे चलती रही, ठुकराए जाने के बावजूद भी उसने यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा और विश्वास किया कि यीशु ही उसकी बेटी को चंगा कर सकते हैं। तब यही हुआ, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को सराहा। 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अपने बाइबल के अंदर, जा तेरे विश्वास ने तुझे, तेरी बेटी, तेरे विश्वास बड़ा है, ये बोला उसको, तेरा विश्वास बड़ा है। उसके विश्वास को यीशु मसीह ने वहाँ पर सराहा, और सराहा ही नहीं, उसकी बेटी को चंगा भी किया। जब वो वापस लौट के जाती है तो उसकी बेटी चंगी हो जाती है। हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यूहन्ना 7 का हम देखते हैं 38 और 39 में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। और ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहे, उस पर विश्वास करने वाले उसको पाने पर थे। प्रेज द लॉर्ड, यानी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त किया जाता है। प्रेरितों 10 अध्याय उसके 34-44 में भी ऐसी घटना हुई। पत्रस जब नए लोगों के बीच में गया, वो लोग विश्वासी नहीं थे, और वहाँ वो उन्हें सुसमाचार को सुना रहा था, वचन सिखा रहा था, यीशु के मृत्यु और यीशु के जी उठने के बारे में उसने उनको सुनाया, और सुनते ही सुनते उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि 44वीं आयत में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर गया और वे आगे लिखा है कि वे अन्य अन्य भाषाएँ बोलने लगे। तो इसी तरह से हम 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन की प्राप्ति। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध आयत है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहाँ अनंत जीवन का एक वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है, ये वायदा झूठा नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ज़रूर हम एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश किया जाएगा। हम देखते हैं यूहन्ना 3:36 में भी इसी प्रकार लिखा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आप अपनी बाइबल के अंदर इस बात को पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना 11:26 में, यीशु के मुख के वचन है ये,
जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक न मरेगा। यह है प्रभु का वचन। विश्वास करने वाला अनंत काल तक जीवित रहेगा। और इसकी 25वीं आयत को अगर हम देखें, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यानी शरीर खत्म हो सकता है लेकिन आत्मा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ सदा काल तक वास करेगी। हम इस जीवन के अंदर अभी से उस अनंत काल की तैयारी करें। हालेलुया। हम निष्कर्ष की ओर जब बढ़ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने विश्वास को और बढ़ाएं। आज हम इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु में विश्वास करना कितना ही महत्व रखता है। यह हमारा सवाल था शुरू में, हमारा विषय कि क्यों विश्वास करना चाहिए। तो आज हमने ये 5 बातों को पाया है कि विश्वास हमें परमेश्वर की धार्मिकता को दिलाता है, विश्वास हमें चंगाई को दिलाता है, विश्वास के द्वारा उद्धार है, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मरकुस 16 अध्याय उसके 17-18 आयतों में भी इस तरह से लिखा है कि विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो उन्हें हानि नहीं होगी। वरन यीशु ने भी कहा कि विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें और विश्वास करना चाहिए, विश्वास जीवन में और बढ़ना चाहिए और प्रभु के करीब हमें और अपने विश्वास के लिए प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। जैसे जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा, सेवकाई हमारी और आगे अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो ये बात हमें आज मालूम हुई है कि विश्वास के द्वारा हमें कई प्रकार की आशीषें मिल सकती हैं। केवल हम प्रभु के निकट ही नहीं जाते बल्कि हम उद्धार को पाते हैं, हम चंगाई को पाते हैं, हम हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को पाते हैं। पवित्र आत्मा के संग रहकर हम प्रभु के सम्मुख में और अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं। हम अनंत काल के, अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु की वो परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता, righteousness, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए रोमियो 3 अध्याय में जो शुरुआती बातें लिखी हैं, खासतौर से 3:22 के अंदर, कि यीशु मसीह में हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। हम पाप में प्रभु से बहुत दूर थे लेकिन प्रभु के कारण हम करीब हो गए, यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर के निकट आ गए। सो प्रभु में प्रिय भाई बहनों, हम अपने विश्वास जीवन को और दृढ़ करें और मजबूत करें। जैसे रोमियो के पुस्तक में हम देखते हैं उसके 10:17 में, सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना मसीह यीशु से, यानी यीशु मसीह के वचनों को हम ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा सुनें, ताकि हमारा विश्वास और अधिक प्रभु पर बढ़ता जाए। सो जैसा कि अभी तक हमने जान रहे हैं कि विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है, अभी तक हमने देखा लूका 8 अध्याय के उसके 43-48 में कि वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हमने सुना, और फिर हमने मत्ती 15:22-28 तक कनानी स्त्री के बारे में हमने सुना। ये दोनों ही बहनें प्रभु को शायद से करीब से जानने वाले नहीं थे, लेकिन जब विश्वास कर लिया तो चंगाई इनको मिल गई। एक को हम देखते हैं बहुत धनी है और एक को हम देखते हैं कि वो यहूदी नहीं है, और यहाँ एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसका हम पाते हैं एक पैसेज मरकुस 10:46-52, वहाँ पर हम देखते हैं कि अंधा वर्तिमाई, ये एक भिखारी है। अब यहाँ पर भिखारी के बारे में हम देखते हैं कि उसने जब सुना कि यीशु मसीह इधर से जा रहा है तो उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने उसको धमकाया और उसको शांत करना चाहा। लेकिन एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो,
भले ही वो अमीर हो, भले ही वो यीशु को ना जानने वाला हो, भले ही वो गरीब हो, कंगाल हो, भिखारी भी हो, लेकिन जब वो विश्वास कर रहा है तो परमेश्वर उसको चंगा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम पूरी घटना को आप बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं कि वो प्रभु के पास आने के लिए जब उसे बुलाया गया, उसने अपना कपड़ा जो जिसमें वो भीख मांगता था उठाकर फेंक दिया, और जब वो पास आया उसने ये नहीं, उसने कुछ ये नहीं मांगा कि मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो क्या चाहता है, उसने कहा कि मैं देखने लग जाऊँ। और यीशु ने यहाँ पर 52 में ऐसे लिखा हुआ है वचन के अंदर कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि तुरंत वो देखने लगा, यानी पहले उसने नहीं देखा, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, चंगाई बोलते के साथ ही वो देखने लगा। प्रभु में प्यारे लोगों, आप अगर बीमारी की अवस्था में हैं, अगर आप में से कोई दुख या परेशानी में है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर्स ने भी शायद बोल रखा होगा कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, तो आप याद कीजिए उस 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री, उसने सारा पैसा बर्बाद किया, सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन ठीक नहीं हो सकी। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो विज्ञान से भी ऊपर काम करता है। बर्तिमाई अंधा है, शायद वो जन्म से अंधा है, और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और जब वो विश्वास कर रहा है तुरंत उसके जीवन में वो चंगाई आ रही है, और लिखा है कि वो देखने लग गया। आप इस तरह से अगर विश्वास करेंगे तो ज़रूर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे जीवन की यह गवाही है। मेरे बेटे को जब वो 5 साल का था, सारे वैक्सीनेशन देने के बावजूद उसके जीवन में पोलियो आ गया। 5 साल के बाद जब उसको पोलियो आया, हमें पता ही नहीं था कि ये पोलियो की शुरुआत है या पोलियो उसके जीवन में आ चुका है। उसका लेफ्ट साइड का जो लेग था वो कमर से पैर के तलवे तक सूख चुका था, और उसमें इतना फर्क आ गया था कि वो चलते समय लंगड़ाता था। और हम कलीसिया में आए और प्रभु के दासों ने हाथ रखा, उसके ऊपर प्रार्थना किया, और उसी समय से हमने विश्वास किया कि अब प्रभु इसको चंगा कर देगा। उसके पैर में बहुत ज़ोर से दर्द होता था और वह हर समय पैर को दबाता रहता था, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, थोड़ी थोड़ी देर में गिर जाता था चलते समय। लेकिन उसके बाद आज वो बच्चा 22 साल का है और प्रभु ने उसे पूरी तरह से चंगा किया। उसने अपनी पढ़ाई को पूरी किया और अभी वो आगे और पढ़ रहा है, मिनिस्ट्री में है, साथ में सेवकाई करता है। ये चंगाई कैसे हुई? पोलियो जैसी बीमारी जिसको कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकते, हम जानते हैं पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अद्भुत चंगाइयाँ होती हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप विश्वास करें ताकि अगर आप बीमारी में हैं तो पूर्ण चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्राप्त करें, जैसा मेरे बेटे को भी मिला है। प्रभु आप सबके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों ने, जिन भाइयों और बहनों ने आज का वचन सुना है, प्रभु आप उनके विश्वास को बढ़ाएं। जीवन के हर चुनौती के अंदर वो विश्वास को हाले और बढ़ाते हुए तेरे सम्मुख चलते रहें, कभी भी डगमगाने ना पाए। प्रभु हम सबको तू आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रार्थनाओं का हमें जवाब मिलता है उस समय कितनी खुशी होती है। आप जानते हैं कि हमारे इस टीवी प्रोग्राम पर, रेज ऑफ होप पर, हमारा एक नंबर आता है और बहुत से लोग हमारे नंबर पर कॉल करते हैं, प्रार्थना विषय देते हैं, उनके प्रार्थना विषयों को हमारे प्रेयर कोऑर्डिनेटर प्रार्थना में रखती हैं, वो प्रार्थना विषय आगे शिफा प्रेयर टावर में फॉरवर्ड होता है और वहाँ पर बहुत से विषयों के लिए प्रतिदिन प्रार्थनाएँ होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं का जब जवाब मिलता है तो बहुत ही आनंद होता है। आज मैं कुछ ऐसे ही जवाबों को प्रभु की महिमा के लिए और हमें देखने वाले दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जो जवाब आते हैं फ़ोन कॉल्स के द्वारा आते हैं, कई बार लोग मैसेज करते हैं, कई बार ईमेल्स आता है,
कुछ कुछ लोग आजकल भी पत्र लिखते हैं। उन सब लोगों के लिए, हमारे उन सब दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, जो हमें फिर से कॉल करते हैं और हमें अपने विषयों के प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते हैं। धन्यवाद उन सब लोगों को जो हमें दोबारा कॉल्स करते हैं। तो ऐसे जो कुछ जवाब आए हैं, उनमें से एक जवाब सिस्टर अरुणा का है, जो महाराष्ट्र में थाने क्षेत्र से हमारे टीवी प्रोग्राम को लगातार देखती हैं, आशीष पाती हैं, हमारी एक शुभचिंतक हैं। उनकी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी बेटी की नौकरी के लिए प्रार्थना करवाई थी। उनकी बेटी को नौकरी की ज़रूरत थी, प्रार्थना करवाई गई, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना और उन्होंने उसके बाद हमें गवाही दी कि उनकी बेटी की नौकरी लग गई। इतना ही नहीं, उनका बेटा ना तो कहना मानता था ना पढ़ाई में मन लगाता था, ये भी उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय था। सिस्टर अरुणा ने हमारी टीम से प्रार्थना करवाई, परमेश्वर की दया इस परिवार पर प्रकट हुई। इन्होंने गवाही दी है कि इनके बेटे के जीवन के अंदर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। सिस्टर अरुणा, आपकी इन दोनों गवाहियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हो सकता है आज भी हमारे इस कार्यक्रम को आप देख रही हैं, परमेश्वर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर अपनी रहमतें सदा बनाए रखें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगली जो गवाही मैं आपके सामने रखूंगा वो हमारी दिल्ली की एक गवाही है, हमारे चर्च के बहुत ही पड़ोस में वेस्ट सागरपुर से ही बहन सोमा ने एक गवाही दी है। इनका कहना यह है कि इनके पेट में एक दर्द बना रहता था। एक दिन हमारा प्रोग्राम रेज ऑफ होप, आशा की किरणें, ये प्रोग्राम देख रही थी और जैसा अक्सर होता है, संदेश के बाद दर्शकों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब टीवी पर हमारा प्रोग्राम आया और संदेश के पश्चात दर्शकों के लिए प्रार्थनाएं हुई, उसी समय बहन सोमा को जब वो टीवी देख रही थी और टीवी पर प्रार्थना हो रही थी, प्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ और बहन को चंगाई मिली। जो हमारी तीसरी गवाही है उसके लिए हम चंडीगढ़ चलेंगे। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ से बहन राजविंदर ने हमें गवाही दी है। उनके घर में बहुत आर्थिक तंगियां थी, कर्जा था और उनके भाई को नौकरी की ज़रूरत थी। परमेश्वर ने बहन राजविंदर के लिए अपनी महिमा दिखाई। ये हमारे टीवी प्रोग्राम को देखती हैं। परमेश्वर ने संदेश के द्वारा इनसे बातचीत की, इन्होंने हमारे नंबर पर कॉल किया, प्रार्थना करवाई, इन्होंने गवाही दी है। इनके भाई के लिए जो नौकरी के लिए प्रार्थना करवाई गई थी, इनके भाई को परमेश्वर ने नौकरी की आशीष दी और जिन आर्थिक तंगियों में वो थे उसमें से इस परिवार को प्रभु ने बाहर निकालना शुरू कर दिया है। बहन राजविंदर, प्रभु आपको और आपके पूरे खानदान को बहुत आशीष देवे। इस तरह आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप हर प्रकार के कर्ज से पूरी तरह आप बाहर आ जाएं। गवाहियों के सिलसिले में आज मैं एक और गवाही की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित रहता है। और हमारी आज की जो आखिरी गवाही वो आगरा यूपी से बहन रीता की गवाही है। इनकी गवाही यह है कि इनका बेटा बहुत शराब पीता था और घर पर कोई पैसे लाकर नहीं देता था। जो भी वो कमाता था, सैलरी मिलती थी, उस सैलरी को अपनी आदतों पर वो गंवा देता था। ये बहन हमारे टीवी प्रोग्राम को देखती हैं, हमारी शुभचिंतक हैं। इन्होंने हमारे नंबर पर कॉल किया और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाई। उसके बाद उनके गवाही हमारे पास पहुंची। जब उन्होंने हमें गवाही दी थी तब कहा कि मेरे बेटे ने शराब नहीं पी है और वो सैलरी भी लेकर घर में लेकर के आया। प्यारे मित्रों, एक माँ को कितनी खुशी होती है जब वो अपने बेटे के जीवन के अंदर एक बदलाव को देखती है। बहन रीता, मुझे नहीं मालूम कि आप आगरा से आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं या नहीं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं बहन रीता उनके परिवार पर परमेश्वर की बरकतें बनी रहें और बहन रीता आपका बेटा पूरी तरह से शराब के श्राप के चंगुल में से बाहर आ जाए, आपके घर के अंदर छुटकारा हो, ये शराब की लत खत्म हो जाए। इसी तरह हमारे प्रिय दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, आप हमसे जुड़े रहिए, प्रार्थना विषयों को भेजिए और जब प्रभु जवाब देता है हमें कॉल करके ज़रूर बताएं। सबसे बढ़कर अपने आत्मिक जीवन में लगातार उन्नति करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
जगत में बहा प्यार की धार, अगर है यीशु मरने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड के द्वारा आपने जरूर आशीष पाई है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, प्रिय शुभचिंतकों, आप अपना अभिप्राय हमें जरूर बताएं, किस तरह से आप रेज ऑफ होप कार्यक्रम के द्वारा आशीष पा रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमें दें। आप ईमेल कर सकते हैं shifalaya@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, या आप हमारा नंबर जानते हैं 9213217517, स्क्रीन पे ये नंबर आता रहता है, आप इस नंबर पर कॉल करें। हाँ, अगर आपका कॉल किसी ने तुरंत नहीं उठाया तो निराश ना हो जाएं, हमारे रिस्पांस कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपके पास जरूर रिटर्न कॉल आएगा। आप हमारे नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आपका स्वागत है, हमारे संपर्क में रहिए, औरों को भी इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आप जानते हैं कि जो प्रार्थना विषय हमारे पास आते हैं उसके लिए शिफा प्रेयर टावर में करीब एक महीने तक हमारे प्रेयर वॉरियर्स प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू।